मुझे ऐसे फील लगता है कि जैसे ना पूरे जैसे कम्युनिटी हमारी जो कितनी कम्युनिटी सबको एक प्राउड मोमेंट है। ये जो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए पूरी कम्युनिटी के लिए। और जो ऐसा प्राउड इसलिए फील हो रहा है ज्यादा कि जितनी आपको सपोर्ट मिल रही है और जितना आपके लोग आपके पास आ रहे हैं और आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए अभी तक लोग आते हैं, अभी तक लोग मिलते हैं। थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताएं, पाकिस्तान में कहाँ से उनका ताल्लुक है, और अपने बारे में कि क्या आप हमेशा से ही पुलिस में भर्ती होना चाहते थे, कहानी क्या है या फिर कुछ और कहानी है? जी जरूर। पाकिस्तान में मेरी वालदा के साथ फैसलाबाद और वालद साहब के लाहौर साइड से मैं पैदा पाकिस्तान हुआ था, लेकिन यहाँ पे छोटी उम्र में क्या से कहते हैं माइग्रेट हो गए थे। ये शुरू से ही जैसे वो छोटे होते बच्चे होते, जैसे हर लोग देखते हैं शोज वगैरह, हमने हर वक्त कोई पुलिस वाले शो चेक करने हैं, और ऐसी चीजें करनी है, इंटरेक्शन करना है पुलिस वालों के साथ, तो पहले शुरू से ही शौक था। आप इस लेवल तक पहुंच गए हैं, तो ये जो जर्नी रही है यहाँ तक, ये कैसी रही है? क्योंकि जो लॉ एनफोर्समेंट है उस पर यहाँ पर एक तरह से एलिगेशन लगता रहा है कि वहां पर एक इम्प्लिसिट मुस्लिम बायस है। ऑब्वियसली हम नए हैं इस डिपार्टमेंट में, बल्कि इस मुल्क में अगर आप देखा जाए तो हम न्यू कमर्स ही हैं। साउथ एशियन जो भी हो, तो लोगों को नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि हमारी क्या सोच है, हमारे क्या ट्रेडिशंस हैं, हमारी फैमिली वैल्यूज क्या हैं। मैं परफेक्ट एग्जांपल दूंगा कि पहले किसी को नहीं पता था ईद क्या होती है, या अगर आपने अगर हिंदी की तरफ देखें तो होली क्या होती है, या और रमजान क्या होता है, या जो भी आपने हमारे जो रिलीजियस डेज हैं या रिलीजियस ओकेजन हैं, किसी को नहीं पता था। लेकिन अब उन्होंने देखा है कि लोग किस तरह हम इन्वॉल्व होते हैं। आज के हालात में कैप्टन राणा, आपका जो काम है पुलिस और कम्युनिटी को साथ मिलाना, लॉ एनफोर्समेंट का काम कितना चैलेंजिंग हो गया है? क्योंकि हमने चाहे जॉर्ज फ्लॉयड का वाकया हो, उसके बाद से हमने विस्कॉन्सिन में देखा जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं जेकब ब्लेक को लेकर, पुलिस को लेकर जो एक भरोसा है वो एक तरह से कह रहे हैं कम हुआ है, डिफंडिंग की बात हो रही है, लोग नाराज हैं। बात यह है कि चैलेंजिंग हम पहले भी ये फेस कर चुके हैं, जब वो भी था कि मुस्लिम कम्युनिटी और NYPD में जरा इख्तलाफ भी था कि कोई, जैसे आपको पता है कि अगर हो गया सर्वेलेंस टाइप या कुछ ऐसे इश्यूज था, लेकिन NYPD वर्क वेरी वेरी हार्ड विद रीचिंग आउट टू द कम्युनिटी के किस तरह उनके साथ रिलेशनशिप बनाई जाए। मोस्टली अगर आप देखा जाए तो NYPD में इतने इश्यूज नहीं है इस लिहाज से, इसलिए कि जो NYPD है प्रोएक्टिवली कम्युनिटी को अपीच करती है। NYPD में मुसलमानों की तादाद करीब कितनी होगी, और मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़े आपके हिसाब से, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? जी मुसलमान जो रिप्रेजेंटेशन इस वक्त है तकरीबन जो यूनिफॉर्म और सिविलियन का अगर देखा जाए तो तकरीबन 2000 के करीब। जिसे आपने पूछा वो क्या करना चाहिए, और यही है कि हमें अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए।